राजस्थान में रीट को लेकर चल रहे बवाल के बीच एक बड़ा मोड़ आ गया है। सूबे की अशोक गहलोत सरकार को बेरोजगारों की मांग के आगे झुकना पड़ा। सरकार ने रीट लेवल 2 परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन विपक्ष अब भी मुखर बना हुआ है। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रीट परीक्षा अनियमितता मामले में आईएएस अधिकारी और कुछ मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट था, जिसके चलते इस मामले की सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। आप भी सुनिए कि आखिर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में क्या कुछ कहा। रीट एग्जाम को रद्द करने की बात करी, बहुत बड़ी धांधली हुई थी। पेपर मार्केट के अंदर एग्जाम होने से पहले बिके थे, बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया, उसके तार सीएम और कुछ जुड़े थे, बड़े आला अधिकारी और मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट था। और हमने रीट को रद्द करने की बात करी और सीबीआई जांच की मांग करी। एसओजी जांच कर रही थी, चूंकि मिनिस्टर आईएएस अधिकारियों का रोल था तो एसओजी स्टेट की एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, जो हमने सीबीआई जांच की मांग करी। लेकिन सरकार को लगा कहीं सीबीआई मामला हाईकोर्ट के अंदर भी चल रहा था, सरकार को लगा कहीं सीबीआई के अंदर मामला चला गया, या जो नौजवान आंदोलित है राजस्थान का, बहुत बड़ा आक्रोश नौजवानों के अंदर था, लोकसभा विधानसभा का सत्र में आने वाला था, तो सरकार ने लेवल 2 को निरस्त किया, जबकि लेवल 1 का एग्जाम भी हुआ था। हम ये चाहते पूरी रीट का एग्जाम रद्द हो, उन्होंने एक एग्जाम रद्द करके सीबीआई जांच से बचने का रास्ता निकाला। हमारा आंदोलन जारी है, हम चाहते हैं रीट का लेवल 1 भी रद्द हो और सीबीआई जांच हो। इस मामले को विधानसभा के अंदर आरपी पुरजोर तरीके से उठाएगी और हम आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन भी किए, आवश्यकता पड़ी तो बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर हम लोग करेंगे।